Good morning, students. I am Amita Seth. Welcome to you in BBVN online classes. And continuing with the poem, The Wind, which is written by Subramanyam Bharti. So Subramanyam Bharti is actually, we have discussed earlier also that he is a great Tamil poet. Okay. And till now we have discussed about the devastating effects of the winds and how merciless is the wind is. Okay. Yani wind jo hai wo bahut zyada merciless hoti hai, matlab kisi pe daya nahi dikhati hai. Aur jis tarah usne humne wind ko kisse personified kiya tha, पर्सन से, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं उनसे हमने उनको पर्सोनिफाइड किया था. और जो विंड है जब वो तेज चलती है तो वो जो वीक थिंग्स होती है उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. जिस तरह से जो बुलीड पीपल के कौन होते हैं, जो दूसरों को वीक पीपल को सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो जो डोमिनेट करते हैं छोटे जो वीक पीपल होते हैं उनको दबाते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने दम से. तो दैट इज अ थिंग कि वीक जो विंड है वो भी जो वीक चीजें हैं जैसे पेपर्स हैं या बुक्स हैं अगर आपके घरों में रखी गई है, और स्ट्रॉमी विंड्स चलती हैं, तूफानी हवाएं चलती हैं, तो वो सब उनको गिरा देती हैं नीचे, पेपर्स को उड़ा देती हैं. तो वो डिस्ट्रक्शन हमने देखा अभी विंड का. नाउ लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोयम, व्हाट द पोएट वांट्स टू टेल. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स. So now the poet is telling कि frail मतलब क्या होता है, फ्रिजाइल हम इसे बोल सकते हैं, frail को हम weak बोल सकते हैं, ठीक है. So new word comes to you, that is fragile. Fragile मतलब क्या होता है, बहुत कमजोर होना. So frail crumbling houses यानी वो क्या कर रही है, इतनी तेज चल रही है. And what do you mean by crumbling? Crumbling means ब्रेकिंग अप, यानी वो तोड़ रही है, उसका इतना ज्यादा जो पावर है उसकी वो इतनी ज्यादा है कि वो हाउसेस को तोड़ रही है. जो वीक हाउसेस होते हैं, जो कमजोर हाउसेस होते हैं मर्द्स के बने हुए, तो उनको वो तोड़ रही है. क्रम्बलिंग डोर्स यानी कि जो डोर्स हैं उनको हिला रही है, जब ऑब्वियसली तेज हवा चलती है तो डोर्स हिलते हैं ना जोरों से, तो उनको हिला रही है. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स मतलब क्या होता है, बीम्स, ठीक है, तो उनको जो बीम्स हैं उनको हिला रही है. आप देख सकते हैं ना छत के ऊपर बीम्स लगी होती है ना, तो उन बीम्स को भी वो हिला रही है. क्रम्बलिंग वुड्स, वुड्स यानी हम एक तरफ तो इसको लकड़ी भी कह सकते हैं, अदर थिंग हम इनको ट्रीज से भी डिनोट कर सकते हैं. तो जो ट्रीज हैं उनको भी वो जोर जोर से हिला रही है. ऑब्वियसली जब तेज विंड चलती है तो क्या होता है, द वुड्स दे यूज टू ट्रैम्बल, दे यूज टू शिवर, हिलते हैं ना वो. तो दैट इज द थिंग कि वो इतने ज्यादा फोर्स से आ रही है कि वो सबको क्या कर रही है, शिवर कर रही है, ट्रैम्बल कर रही है. ट्रैम्बल मतलब क्या होता है, कांपना या उसको किसी चीज को हिलाना, डिस्टर्ब करना. ओके. Then crumbling bodies, crumbling lives, यानी even humans को भी क्या कर रही है, वो बहुत ज्यादा destroy कर रही है. Humans जो है उनको भी वो क्या कर रही है, shiver कर रही है. बहुत strong winds होती है, तो it is very difficult for humans also ना to walk out, है ना, तो हम भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो उनको भी, humans को भी affect कर रही है. Then crumbling hurts, यानी हमारे जो hurts है, यानी obviously जब इतना ज्यादा तूफान आता है तो क्या होता है, एक टेरर साथ में लाता है, isn't it? So वो हमारे hurts को भी क्या कर रही है, ट्रैम्बल कर रही है, शिवर कर रही है, एक टेरर जो है वो बॉर्न हो रहा है उसमें, ठीक है. देन नेक्स्ट लाइन इज द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. नाउ हियर सी द विंड गॉड, यानी अब यहां पे विंड को क्या मान लिया, गॉड, लाइक गॉड, गॉड इज हैविंग व्हाट, माइटी पावर्स, है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है गॉड. वैसे ही यहाँ विंड को क्या मान लिया है, गॉड मान लिया है. दैट मीन्स विंड इज ऑल्सो हैविंग माइटी पावर्स. ओके. विनोज, विनोज मतलब क्या होते हैं, सेपरेट करना, है ना, जैसे हम शाफ्ट से हस्क को सेपरेट करते हैं, ग्रेन्स से हस्क को सेपरेट करते हैं ना, आपने देखा होगा जब ये थ्रेशर्स में जब ग्रेन्स होते हैं उनकी थ्रेशिंग करी जाती है, उसके बाद एक टाइप का मतलब कैरी करने का एक होता है जिसमें आपको मतलब वो क्या करते हैं, ग्रेन्स से हस्क को हिला हिला के विंड की हेल्प से वो क्या होता है, हस्क जो होता है ना वो उड़ जाता है, नीचे ग्रेन गिर जाता है, इजंट इट, आपने अक्सर देखा होगा फील्ड्स में. तो विंड क्या कर रही है, उस हस्क को ग्रेन से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है. जब इतनी ज्यादा विंड चलेगी तो क्या होगा,
जो हस्क है वो उड़ जाएगा और जो ग्रेन है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है. एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. अब आप जो उसको कहेंगे ना वो काम नहीं करेगी. अगर आप उसे बोल रहे हैं कि विंड कम्स सॉफ्टली एंड स्लोली, तो वो क्या आपकी मर्जी से आएगी? वो आपके विश को नहीं मानती है. इन सेंस कि अगर आप ये चाहते हैं कि वो आप पे दया दिखाए या डिस्ट्रक्शन नहीं करे या वो आप पे पाइटी शो करे, तो वो ऐसा नहीं करती है. द विंड इज मर्सीलेस, यानी जो स्ट्रांग पीपल होते हैं वो कभी भी आपको, वीक पीपल को कभी भी उन पे पिटी शो नहीं करेंगे, उन पे दया नहीं करेंगे. वो तो जितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है वो उतना करेंगे. ओके, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, make the heart steadfast. Now what the poet is telling कि obviously wind तो बहुत ज्यादा strong है तो वो destruction करेगी, तो हमें क्या करना चाहिए? What should we do? We should be strong. Firm मतलब क्या होता है? Strong. ठीक है, तो हमें इतना ज्यादा strong बनना है कि कोई भी जो powerful चीज है वो हम पर effect ना कर पाए. As I have told you, giving you an example, कि ऐसे अगर आप पेपर को रैंडमली रख दोगे और विंड चलेगा तो क्या होगा? विंड से क्या होगा? सारे पेपर स्प्रेड आउट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे. वहीं आप पेपर पे कोई वेट रख देंगे तो वो पेपर इजिली स्प्रेड नहीं होते हैं. उस वेट रखने का मतलब है टू बिल्ड अ स्ट्रांगनेस इन आवर सेल्फ. ठीक है, हम इतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाए कि कोई भी पावरफुल चीज हमें न हिला सके, हमारा कोई भी डिस्ट्रक्शन न कर सके. ओके, एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हर्ट स्टेडफास्ट. स्टेडफास्ट का भी क्या मतलब होता है? स्टेडफास्ट मीन्स ऑल्सो स्ट्रांगली, यानी अपने दिल को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाइए कि कोई भी चीज आप पे इफेक्ट ना कर पाए. ओके, क्योंकि पावरफुल पर्सन तो आप पे दया नहीं दिखाएगा, तो आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आप पर कोई भी बैड इफेक्ट्स नहीं डाल सकता है. ओके, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अगर आप स्ट्रांग बन जाते हैं, तो आपकी विंड क्या हो जाएगी? फ्रेंड बन जाएगी. यानी कि जो वो चाहती है डिजास्टर करना, वो जो चाहती है आपका डिस्ट्रॉय करना, रुइन करना, ये सारे सिनोनिम्स है. देखो, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेटिंग, रुइन, है ना, तो ये सारे डिस्ट्रक्शन के ही, डिस्ट्रॉय के ही, नाश करना मतलब होता है, ये अलग अलग सिनोनिम्स हैं. तो विंड जो है आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, वो आपकी फ्रेंड बन जाएगी. यानी ऑब्वियसली जो स्ट्रांग पर्सन है, जब वीक भी स्ट्रांग बन जाएंगे और अपने आप को प्रूफ करने लगेंगे, तो स्ट्रांग पर्सन उन्हें तंग करना छोड़ देंगे. और तंग करेंगे भी तो वीक पर्सन क्या है, इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. अब पोइट क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह आपने देखा होगा कभी भी हम आग जलाते हैं, है ना, तो अगर बहुत धीमी सी आग होगी, अगर तेज तूफान आता है, तेज विंड ब्लो होती है ना, तो क्या होता है, वो फायर बुझ जाती है. ठीक है, आग बुझ जाती है. लेकिन अगर वो फायर बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा मतलब आग लगी हुई है, छोटी सी नहीं है, बहुत ज्यादा लगी, और फिर विंड ब्लो होती है, तो वो फायर क्या होगी, और ज्यादा भड़कती है. Isn't it? हवा चलने से और ज्यादा आग भड़कती है. तो यही जो पॉइंट है वो ये कहना चाहता है, अगर आप वीक बने रहोगे तो आपको जो कोई भी आके बुझा के चला जा सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रांग बने रहोगे तो आपको वो और ज्यादा, अगर तंग भी कर दे तो वो क्या होगा, आप और ज्यादा फ्लरिश करोगे, और ज्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करोगे. ओके, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. और स्ट्रांग जो पीपल है उनकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि वो हमें स्ट्रांग बनना सिखाते हैं. अगर हम लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टीज, ये सब फेस ही नहीं करेंगे, तो लाइफ में हम कैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग सर्वाइव कर सकते? नहीं कर सकते. आप बहुत कंफर्टेबली लाइफ जी सकते हैं, आप में स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप में पावर नहीं होगा. तो लाइफ में विंड जैसे कुछ डिफिकल्टीज लाने वाले इंसान भी होने चाहिए, जो आपको हमेशा लाइफ में स्ट्रांग बनाते हैं, आपको बताते हैं कि लाइफ को किस तरह से, मुसीबतें जो आती हैं उसको किस तरह से फेस करना है और किस तरह से सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ते जाना है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस.
फर्स्ट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब क्या होता है? एज द वर्ड सजेस्ट, रिपीटेशन यानी किसी चीज का रिपीट होना। तो यहां पर क्या रिपीट होगा? वर्ड्स रिपीट होंगे। सी इन दिस एग्जाम्पल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स। क्या वर्ड रिपीट हो रहा है? क्रम्बलिंग। ठीक है, सो द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेशन, यानी इस पैराग्राफ में रिपीटेशन जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज हुआ है। ओके, अब थ्री थिंग्स हैं, थ्री थिंग्स रिपीट होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। देन लेट्स टेक अनदर अलिटरेशन। अलिटरेशन क्या होता है? जब कोई भी वर्ड लेटर रिपीट होता है, वर्ड रिपीट होगा तो क्या होगा? रिपीटेशन। जैसे क्रम्बलिंग रिपीट हुआ। जब कोई लेटर रिपीट होगा तो दैट विल बी अलिटरेशन। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहां पर, इसमें देखिए विंड, विनोज, डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हुआ ना एक ही लाइन में। यू हैव टू वॉच इन वन लाइन ओनली कि एक ही लाइन में डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज अलिटरेशन। ओके, देन एक और है, इस नहीं है इसमें पोयम में, बट मैं फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू। एक होता है रिफ्रेन। रिफ्रेन में क्या होता है? पूरे सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होगा, अलिटरेशन में लेटर्स रिपीट होंगे एक ही लाइन में, और रिफ्रेन में पूरे सेंटेंसेस रिपीट होते हैं। जैसे नॉर्मली आप है ना, अगर कोई भी सॉन्ग गाते हैं या कोई भी आपने पोयम ऐसी देखी हो जो बहुत बड़ी पोयम्स होती है, तो उसमें जो वर्ड्स सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ विंड कम स्लोली, विंड कम सॉफ्टली, अगर ये बार बार हर पैराग्राफ के बाद यही अगर पोएट लाइन लिखता कि विंड कम स्लोली, विंड कम स्लोली, तो ये क्या होता? रिफ्रेन होता। दैट मीन्स द सेंटेंसेस इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इन द पोयम। ओके, नाउ द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफोर। मेटाफोर और सिमिली में क्या डिफरेंस होता है? सिमिली में अक्सर आपको दो चीजें मिलेंगी, लाइक और एज। ये जो वर्ड्स होते हैं ना लाइक और एज, ये सिमिली में होते हैं। ये सिमिली में भी आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं किसी का। ठीक है, जैसे एज वाइट एज स्नो, तो किसके जैसा वाइट? स्नो जितना वाइट। ठीक है, तो ये कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिली में हमेशा आपको एज और लाइक वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो सिमिली होता है। मेटाफोर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ आपको एज और लाइक जैसे वर्ड्स नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर कंपैरिजन में उस चीज को वो ही मान लिया जाता है। जैसे कि यहाँ हमने बोला द विंड गॉड, इजंट इट, यहाँ हमने विंड को ही क्या मान लिया? गॉड। जैसे कि गॉड में बहुत ज्यादा माइटी पावर्स होते हैं, बहुत पावरफुल गॉड होता है, वैसे ही यहाँ हमने विंड को बहुत ज्यादा पावरफुल मान लिया है, इजंट इट। तो हमने यहाँ नहीं लिखा द विंड इज एज पावरफुल एज गॉड या इज लाइक गॉड, हमने क्या बोला? द विंड गॉड, यानी उसको ही हमने वो मान लिया है। ठीक है, सो दैट इज मेटाफोर। सो आई थिंक दिस वी हैव कम्प्लीटेड द पोयम, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द पोयम। एंड यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन पिंग मी ऑन माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।